फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशन और आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ फादर्स डे थीम केक। तो यस, ये केक मैं मेरे डैडी को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो ये केक हम कैसे बनाते हैं, एक सिंपल केक को कैसे फादर्स डे केक कन्वर्ट करते हैं, आपको ये दिखाने आए हैं। तो लेट्स बिगिन। एज यूजुअल हमें इसे तीन भागों में कट करना है, तो फर्स्ट लेयर ऊपर से और नीचे की लेयर एकदम नीचे और एक बीच की लेयर। तो ये मेरी फर्स्ट लेयर निकल गई, सेम वे मैं सेकंड लेयर निकाल लूंगी। टर्न टेबल को घुमाते घुमाते हमें कट करना है ये मेरी सेकंड लेयर। तो इस तरह से थ्री लेयर्स निकल गई है और ये मेरा वेनिला स्पॉन्ज है। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग फ्लेवर लेके आई हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को ये फ्लेवर पता भी होगा क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग फ्लेवर है ये, लोटस बिस्कॉफ केक। यस, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है एंड ये उसकी बिस्किट्स है। फिलहाल बिस्किट अवेलेबल नहीं है, ना ही केक शॉप पे, ना ही मेरे घर में, तो हम इस स्प्रेड से ही काम चलाएंगे एंड ये बहुत ही यम्मी लगता है, मन करता है ऐसे ही खा जाए इसे। तो इसका केक बहुत ऑसम लगता है, लेकिन इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। आप इस तरह से डायरेक्टली क्रीम में डाल के भी बना सकते हो, लेकिन इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए हमारा एज यूजुअल गनाश। तो ये मेरा गनाश है, इसका रेशियो मैंने बहुत बार बताया है। तो सेम चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं और ये केक बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो सबसे पहले ये ऊपर की और बीच की लेयर हम निकाल लेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, हमने वेनिला स्पॉन्ज लिया है, आप चॉकलेट स्पॉन्ज भी ले सकते हो, बट बेस्ट रिजल्ट वेनिला स्पॉन्ज के साथ लोटस बिस्कॉफ केक बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए एज यूजुअल हम क्रीम ले लेंगे, ये व्हिपिंग क्रीम है। आपको जितनी क्रीम चाहिए लगने वाली हो अंदाज़ा से आप निकाल लो। इसमें मैं अराउंड 2 टेबलस्पून जितना गनाश डालूंगी। आपको अगर ज़्यादा कड़वा पसंद है तो ज़्यादा बढ़ाइए, कम पसंद है, लाइट और माइल्ड चाहिए तो आप 1 टेबलस्पून डालिए, बट मैं 2 टेबलस्पून गनाश इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारा डबल कॉम्बिनेशन केक हो जाता है। एक तो बिस्कॉफ फ्लेवर भी आ जाता है मज़ेदार और दूसरा एक होता है गनाश। गनाश के साथ जब क्रीम मिल जाती है तो हो जाता है मूज। तो ऑल टाइम फेवरेट बच्चों का या बूढ़ों का या बड़ों का, सबका फेवरेट मूज। बहुत अच्छा लगता है, जिसे चॉकलेट पसंद है उसे भी एंड जिसे क्रीम पसंद है उससे भी, ये कॉम्बिनेशन बहुत ऑसम जाता है। तो एज यूजुअल नॉर्मल वाटर से मैं सोक कर रही हूँ नीचे की लेयर। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा सोक नहीं करेंगे, नहीं तो केक कट करने के टाइम पे वो टूटने लग जाता है। और इसमें हम ये मूज हमारा ऐड करेंगे, ये मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट केक है। इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे लेफ्ट राइट करके और टर्न टेबल घुमाते घुमाते। That's it। आप देखिए कितना अच्छे से स्प्रेड हो गया है। और जैसे कि साइड में है बाहर, इस तरह स्टैंडिंग रखेंगे पैलेट और इस तरह से आजू बाजू भी लगा देंगे। ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर दूसरा कलर देना है। ये हो गया। अब इस पे हम गनाश की पहले तो लेयर डालेंगे ताकि लगना चाहिए कि हम चॉकलेट केक भी खा रहे हैं। इसे अच्छे से फैला लेंगे हम। अभी जो बन रहा है ये चॉकलेट मूज केक बन रहा है, लेकिन जब इस पे ये डाल देंगे हम तो ये बन जाता है बिस्कॉफ केक। वाव, ये देखिए, ये बहुत थिक होता है, इसे माइक्रो ओवन में आप डाल के थोड़ा सा वार्म अप कर सकते हो तो इस तरह से ये लिक्विड हो जाता है। बट मैं तो गैस पर रख देती हूँ, पानी लगा देती हूँ और पानी में ये बॉटल रख देती हूँ, वो पिघल जाता है। और इसे भी फैला लेंगे।
और अगर बिस्किट्स अवेलेबल हो तो क्रंच के लिए आप बिस्किट भी डाल सकते हो। देखिए सेकेंड लेयर लगा देंगे हम। तो जैसे कि मैंने नीचे वाली लेयर करी है, सेम वे मैं ऊपर तक केक को कंप्लीट कर लेती हूँ। आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए, बट मुझे पर्सनली ये पसंद है इसलिए मैंने गनाश ऐड किया है। एंड अब मैं इस पर बिस्कॉफ ऐड कर दूंगी। एक बार ट्राई करिएगा, ये फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप ब्लैक फॉरेस्ट अगर लेते होगे या कोई रेगुलर केक्स लेते होगे तो भूल जाओगे टेस्ट, ये ट्राई करोगे फिर। देखने में मज़ेदार लगता है इसका, ये देखिए स्प्रेड। और अब हम ऊपर की लेयर हमारी रख देंगे फाइनल। फिलहाल गर्मी बहुत है इसलिए हम इसे लगा कर पहले 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए आप देख रहे हो ना, ये क्रीम पिघलने के वजह से स्लिप होता है केक, तो इसे थोड़ा सा सेट होने देंगे, उसके बाद फाइनल उसकी कवरिंग करेंगे। ये मेरा क्रम कोट ऊपर से अच्छे से सोक करेंगे, क्योंकि चॉकलेट केक रहता है जब गनाश डालते हैं चॉकलेट पूरा पानी खींच लेता है। इसे भी अच्छे से फैला लेंगे, बस 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो 10 मिनट के बाद मैं येलो और ऑरेंज कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। तो एक बाउल में मैंने येलो कलर डाल दिया है, 3 से 4 कलमिस्ट कलर यूज कर रही हूँ। और एक में ऑरेंज के 2-3 ड्रॉप्स, ये कलर स्प्लैश है, बहुत बढ़िया कलर होता है। तो पहले येलो कलर मिक्स कर लेंगे हम। हमें काम जल्दी करना है क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है और क्रीम तुरंत पिघलती है। ये क्रीम हमने अभी जस्ट फिर से बीट करी है, दूसरी क्रीम आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्टिफ है क्रीम। दैट्स इट। और ये ऑरेंज वाला हमने हमारे चैनल पे क्रीम परफेक्टली कैसे बीट करते हैं वो बताया है, इसकी लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेती हूँ, बहुत लाइट लग रहा है मुझे। हमेशा ध्यान रखिए कि कलर आप डाल रहे हो तो क्रीम को टेस्ट कर लीजिए, अगर आप डार्क क्रीम बना रहे हो तो, क्योंकि कड़वा होने के चांसेस होते हैं। एंड यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ कलर, तो कलर स्प्लैश, कलर मिस्ट, बेकर्स विला जो भी है ब्रांड, बहुत ही अच्छे होते हैं। हम प्रमोट नहीं कर रहे बट एज़ पर्सनली यूज़ करने पर मैं आपको बता रही हूँ। तो बस इस तरह से हम अब ये केक को ये लगा देंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा लगा लगा के स्प्रेड करेंगे। तो ऊपर की लेयर में येलो दे रही हूँ एंड नीचे की लेयर में ऑरेंज देने वाली हूँ। बस इस तरह से हल्का हल्का लगा दिया मैंने और ऊपर भी मैंने येलो क्रीम डाल दी है, इसे स्प्रेड कर लेंगे। अब मैं ऑरेंज कलर की क्रीम लगा देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट, 2 शेड्स हम दे रहे हैं। इस तरीके से हम पूरे केक को कवर कर लेंगे, नीचे की एरिया को।
तो पूरे केक को मैंने लगा दिया है। अब एक स्क्रेपर की मदद से एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने हमारे केक को प्रॉपरली स्क्रेप कर लिया है। आप देख सकते हैं एक शेडिंग, सनसेट की शेडिंग आपको दिख रहा होगा, लाइट डार्क येलो, बीच में कहीं पर ऑरेंज, तो बस इसी तरीके से मुझे चाहिए था। अब मैं ऊपर की क्रीम को क्लीन कर लेती हूँ। आप देख सकते हो ऊपर भी मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज इस तरीके से, ताकि ऊपर भी सेम कलर दिखे। सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप फाइनल कर रहे हो तो बोर्ड क्लीन होना ज़रूरी है। तो कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लो, किचन टॉवल ले लो, या फिर गीला कपड़ा ले लो और बड़े ही प्यार से धीरे धीरे कॉर्नर से एक्स्ट्रा क्रीम जो लगी है वो मिटा लेंगे। तो मैंने एक पाइपिंग बैग में गनाश भर लिया है। अब मैं थोड़ी सी डिज़ाइन कर लूँगी, एक ट्री का लुक देना चाहती हूँ मैं, तो इस तरीके से रफली। हाँ, कोई परफेक्शन नहीं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि नीचे मोटा होता है, इसलिए यहाँ पर दो तीन बार लगाएंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा डालते जाएंगे। एक ट्री का लुक देने वाली हूँ मैं, जैसे कि बच्चे अपने डैडी के साथ पेड़ के पास खड़े हैं इस तरीके से। That's it. आई होप ये आपको ट्री दिख रहा होगा, इस पर पत्तियाँ नहीं होगी, इस पर प्यार होगा, प्यार। तो प्यार इंसेंस मीन्स मैं इस पर रेड हार्ट्स लगाऊंगी इस तरीके से। तो ये मेरा मिक्स हो गया है, इसलिए इसके कलर थोड़े से चेंज दिख रहा है, क्योंकि इस पर ग्लिटर गिर गया है। और ये हमारे घर के लिए बन रहा है, तो इसे चला लूंगी मैं। तो देखिए कहीं कहीं पे लगाएंगे, अपने फादर को डेडिकेट करते हुए। तो देखिए कितना अमेजिंग दिख रहा है, जैसे कि ढलता हुआ सूरज एंड एक पेड़ खड़ा हुआ है। सेम वे मैं दूसरे जगह भी बना लूँगी, आप कहीं पर भी बना सकते हो। इसे कंपल्शन नहीं है कि आगे ही फ्रंट साइड ही दिखाना है हमें। मैं रफली कर रही हूँ, मेरा गनाश जस्ट अभी आधे घंटे पहले बनाया था, इसलिए वो थोड़ा सा लिक्विडी है। अगर आपको बनाना ना फाये, ऐसे गनाश में काम करना ना फाये, तो एक घंटा डेढ़ घंटा पहले बना दीजिए, या तो फिर 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। बट आप देख सकते हैं हमारा ट्री का लुक मस्त आ रहा है, ऐसे गनाश में भी हमें ईजिली काम करने हो रहा है। सेम वे इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ की ट्रीज हमारी बन गई है। अब मैंने ना कुछ गूगल पे से ना फोटोज निकाले हुए हैं, इस तरीके से थिक पेपर पे निकाल सकते हो आप, जेरोक्स वाले के दुकान पे, या शुगर शीट ले सकते हो,
वेफर प्रिंट ले सकते हो, बट मैं ये घर के लिए बना रही हूँ इसलिए सिंपल इस तरीके से डायरेक्टली स्टिक कर रही हूँ। आप चाहो तो इसके पीछे चॉकलेट लगा के चिपका सकते हो, फॉन्डेंट पे आप इसको लगा कर चिपका सकते हो, बट मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये थीम क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा था, पेड़ के पास एक बेटी और उसका डाडा। यहाँ पर हम ये वाला चिपकाएंगे, हैप्पी फादर्स डे। तो मैं रैंडमली कहीं कहीं लगा रही हूँ, आपकी चॉइस है, आपको जो पिक्चर्स मिलते हैं जैसे लगाना। आप आपके खुद के डैडी और खुद का फ़ोटो भी लगा सकते हो, बट मैं प्रिफर नहीं करती हूँ, वो फिर बाद में हम फाड़ देते हैं या फिर कट कर देते हैं। एक फ़ोटो हमारी मम्मा के साथ भी, तो फैमिली कंप्लीट। और ये लास्ट, तो है ना इंटरेस्टिंग, एकदम सिंपल सा केक, बट थोड़ा सा चेंज देके उसे एक थीम केक में कन्वर्ट कर दिया है। एक स्टोरी रिलेट करती है ये केक, एंड हैप्पी फादर्स डे के टॉपर के बिना ये केक इनकम्प्लीट है। तो ये देखिए मुच्छो वाला टॉपर मेरे डैडी के रिलेटेड, तो ये मैं यहाँ पर लगा दूंगी और इसी के साथ हमारा केक कंप्लीट। हैप्पी फादर्स डे। तो आपको ये केक हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।